आपके लिए बहुत अच्छी से रेसिपी लेके आई हूँ। ये है मेरी पिनव्हील गुजिया और पोटली गुजिया, दोनों बहुत ही आकर्षक और स्वादिष्ट बनी हैं। इसकी खासियत है कि आप विदाउट मोल्ड इसको बना सकते हैं। और मावा फ्री गुजिया है, बेक करके भी बनाया है मैंने, फ्राई करके भी बनाया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं इसमें, चलिए शुरू करते हैं। हमारी पिनव्हील गुजिया है, दिखने में जितनी ही खूबसूरत है खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। इसको हमने बेक करके बनाया है, बहुत ही अच्छी बनी है, विदाउट मोल्ड बहुत ही इजी तरीके से बन गई है। तो बहुत ही अच्छी सी बन के आई है। और हमारी ये दूसरी गुजिया है, ये है पोटली गुजिया, इसको भी हमने बिना मोल्ड के बनाया है और बनाना सुपर इजी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो चलिए फिर इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले दो नीड करेंगे, दो नीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करें। पहले आटा लें, उसमें मोयन डालें शुद्ध देसी घी का, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो बनाना है, बहुत गीला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, एक बीच का अच्छा सा डो चाहिए हमें। दो तैयार हो गया, एक सूती गीला कपड़ा लें, उसका पानी निचोड़ें, पानी में भिगो के निचोड़ दें और उसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख दें। अब हम इसका भरावन तैयार करेंगे। तो सूखा नारियल लिया है, उसको मिक्सी में चला के पीस लिया है, हल्का रोस्ट किया है मैंने, और ये शुगर का बूरा और इलायची है, इसको मिक्सी में चला के पीस लिया है मैंने, और ये कुछ रोस्टेड नट्स हैं, नट्स आप अपनी पसंद के डालें, मैंने अपनी पसंद के हिसाब से ये नट्स डाले हैं। काजू और बादाम को रोस्ट करके हल्का दरदरा पीस लिया है मिक्सी में, वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा भरावन तैयार है, आधा घंटा हो चुका है। अब हम अपने दो को छोटे छोटे जो है पहले हल्का सा रोल करेंगे हाथों से, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस इसके बना लेंगे। हमें इसकी पूरियां तैयार करनी है, छोटी छोटी पूरियां तैयार करनी है। तो इस तरीके से बराबर साइज़ का कट कर लें और इसकी पूरियां बेलनी है। पूरियां थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हों तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजिली बन जाती हैं। बस इसको ध्यान से देखते हुए आपको बेलना है। जब भी इसकी पूरियां तैयार करें ना, तो एक ही साइड से इसे बेलें, ऐसे घुमा घुमा के आपको बेलना है। कभी भूल के भी इसका साइड पलट मत दीजिएगा, नहीं तो ये जो पूरियां होती हैं गुजिया की, वो ख़राब हो जाती हैं। हमेशा इसे हमें घुमा घुमा के एक ही साइड से बेलना है, पलटिएगा मत। इसी तरीके से सारी पूरियां बेल के इकट्ठी करके रख लें, जितनी भी गुजिया आपको बनानी है। कितना पतला होना चाहिए देखिए, ना बहुत ही पतला है ना बहुत मोटा है, बहुत अच्छी सी पूरी बन के तैयार हुई है। सारी पूरियां हम तैयार कर लेंगे। गुजिया का आटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको अच्छे से नीड करिएगा ज़रूर से, तभी गुजिया अच्छी बनती है। मोयन भी इसमें आपको अच्छे से हिसाब से डालना होगा। तो ये सारी पूरियां बेल के तैयार कर ली है मैंने, अब हम इसको भरेंगे। तो इसको हाथ हथेली पे रखें, भरावन डालें और थोड़ा सा किनारों किनारों से पकड़ते हुए इस तरीके से इसे मोल्ड कर दें। ये देखिए हमारी पोटली गुजिया बहुत ही आसानी से तैयार हो गई है। किनारों से पकड़ें, मोड़ें, घुमाएं ताकि ये लॉक हो जाए। कुछ भी पानी वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ये आराम से अच्छे से लॉक हो जाएगी, फूटेगी नहीं। हाथ पे लेके करने में दिक्कत हो रही है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे रखें जहाँ पूरियाँ बेली हैं वहीं पे भरावन डालें और किनारों से पकड़ के उसे फोल्ड करें और उसे ऐसे घुमाते हुए लॉक कर लें। ये बहुत अच्छी सी पोटली गुजिया हमारी बन के तैयार हो गई है। देखा ना आपने कितनी आसान है ये गुजिया बनाना। बस अच्छे से लॉक करें और इसी तरीके से सारी गुजिया तैयार कर लें। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें अपनी पसंद का ऑयल डालें। शुद्ध देसी घी में फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप पीनट ऑयल ले सकते हैं या कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा हल्का गर्म होना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, तेल को पहले गर्म कर लिया फिर गैस ऑफ कर देती हूँ। जब वो हल्का गर्म रह जाता है फिर वापस से गैस ऑन करती हूँ और उसमें गुजिया डालती हूँ। एकदम लो फ्लेम पे इसे आपको फ्राई करना है, धीरे धीरे हल्के हल्के से किनारों से इसमें ऑयल डालें।
आराम से चलाएं। गुजिया बनाना बहुत ही पेशेंस का काम है और हल्का गुलाबी होने तक हमें इसे फ्राई करना है। ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। निकाल के एक तरफ रख देंगे। ये हमारी पोटली गुजिया तैयार है। अब हम बनाएंगे पिनव्हील गुजिया। तो जो बाकी का आटा बचा है उसको हम इस तरीके से बड़ी सी रोटी बनानी है हमें, एक बड़ी सी ऐसी बड़ी सी रोटी बना लें। और पतली रोटी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखाई थी ना उतनी ही पतली हो। और इस पे जो हमने भरावन बनाया हुआ था वही भरावन हमें इसमें डालना है। इसको अच्छे से पूरी लेयर अच्छे से फैला लें, इसमें चम्मच की सहायता से इसी तरीके से फैला लें। अगर आप शुगर इसमें नहीं डालना चाहते हैं ना तो इसमें आप जैगरी भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जाती है। पिछली बार मैंने जैगरी की बनाई थी तो इस बार शुगर की गुजिया बना दी है ताकि दोनों वैरायटी हो जाए। अब भरावन हमने स्प्रेड कर दिया है तो हाथ से धीरे धीरे इसे रोल करना है। बहुत ही आराम से ये हो जाता है, धीरे धीरे पेशेंटली इसको रोल करें और अच्छे से हो जाता है। ये देखिए अच्छे से मैंने रोल कर लिया है। किनारों को ऐसे फोल्ड करते हुए लॉक कर दें। एक बटर पेपर लें और उसको एक प्लेट में बिछा लें और उस बटर पेपर के ऊपर ये रोल रख लें। अब बटर पेपर से इसको कवर कर देना है, रोल करके इसे कवर करें और रेफ्रिजरेटर में आधे घंटे के लिए रख दें। फ्रिज में नहीं रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है। आधे घंटे के लिए रखा है मैंने। अगर जल्दी है तो रेफ्रिजरेटर में रख दें, नहीं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। आधे घंटे हो चुके हैं, मैंने फ्रिज से निकाला है। अब इसको हम कट करेंगे, इक्वल पार्ट में कट करना है हमें। आप चाहे तो स्केल से मेज़रमेंट करके भी काट सकते हैं, मैं अंदाजे से काट सकती हूँ इसलिए काट ले रही हूँ ऐसे ही। ये हमारी गुजिया को हमने कट कर लिया है। अब इसको एक ओवन शेप बाउल में अरेंज कर लें इसी तरीके से। ओवन को 180 डिग्री पर प्री हीट करें और 40 मिनट के लिए इसे हमें बेक करना है। ऊपर से मेल्टेड घी स्प्रेड करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा मेल्टेड घी इस पर स्प्रेड करें। ये हमारी भुजिया हमने बेक करने के लिए डाल दी है, बेक हो चुकी है। अब हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 1/4 कप शुगर लिया है, उसमें 2-3 चम्मच पानी डाला है और यहाँ पे केसर वाला पानी मैं डालनी हूँ उसको भी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें बहुत गाढ़ा सिरप नहीं चाहिए, पतला सिरप ही चाहिए। तो ये हमने सिरप तैयार कर लिया है। इसको इसमें हम केवड़ा जल मिक्स करेंगे, 1 चम्मच केवड़ा है तो वो मिक्स कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं ऐसे भी चलेगा। इसे हमने हमें अपनी बेक गुजिया के ऊपर डालना है इस सिरप को। तो गुजिया हमारी बेक हो चुकी है, इसके ऊपर हम ये सिरप डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से ये सिरप हम डाल देंगे। बस कुछ नहीं करना है, हमारी ये बेक्ड गुजिया तैयार हो गई, स्वादिष्ट सी बेक्ड गुजिया। इसको खाएं और अपनों को खिलाएं और त्यौहार का आनंद उठाएं। चलिए फिर मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।